इमाम भारत सावित्री, ये महाभारत का सारांश है। इसका जो पठन करता है, इसका जो मनन करता है, इसका जो आचरण करता है, वो ब्रह्मरूप हो जाता है। और हमारा सौभाग्य है भारतवर्ष में ऐसा अपने आचरण का उदाहरण रखने वाले महापुरुषों की संख्या अगणित है, और हमको हमारे इस परिसर में ऐसे एक महान व्यक्तित्व का लाभ हुआ। शांतिकाली महाराज जी ने धर्म के लिए जीवन जिया, धर्म के लिए बलिदान किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि जीवन जीकर बताना यह संतों का काम होता है। धर्म धर्म की चर्चा करेंगे तो सबके समझ में नहीं आती। धर्म का तत्व बड़ा जटिल होता है, तो संत कहते हैं कि हम इसलिए आते हैं वैकुंठ छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर, शिवलोक छोड़कर, इसलिए भूमि पर आते हैं कि ये जो सब बोला गया है धर्म के बारे में, भगवान ने उपदेश किया है, ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है, उसको हमको जीकर बताना है। मनुष्यों को बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, वैसा जीवन कैसा होता है। तो ऐसा जीवन का उदाहरण अपने सामने रखने वाले एक दीप स्तंभ का लाभ हमको भी हुआ। ये हमारा भाग्य है, और उस भाग्य के प्रकाश में उनके उपदेश को देखते हैं तो वो सही नजर आता है कि ऐसे ही होता है।